कितने लोग हैं? एक ही हूँ। एक ही है? ये तो ऑटो वाले हैं, ये मेरे साथ हैं। आप छोड़ के आ जाओ। हाँ हाँ। सो कभी कभी भाई लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जिसकी हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। आज है 5 मार्च 2023 और कल मुझे जाना था पाकिस्तान, और भाई मैं अपने मज़े में सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके रखे थे। मैंने एकदम से हेल्पलाइन वालों को कॉल करा, मैंने बोला चलो यार एक बार हेल्पलाइन वालों से कॉल करते हैं एंड पूछ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे पता तो था क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने एक नई चीज़ बता दी मुझे, एक नया लफड़ा बता दिया जो है RT-PCR टेस्ट। भाई आज संडे है और कल मैंने जाना है, और बहुत दुखद न्यूज़ ये है कि मेरी ट्रेन की जर्नी भी है आज, मेरी ट्रेन की टिकट भी है। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बिना RT-PCR रिपोर्ट के कैसे जाऊंगा, क्योंकि आज संडे है और मेरे पास 3 घंटे हैं। अभी मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ कठुआ के, अब यहाँ से देखते हैं हो पाता है RT-PCR टेस्ट, मुझे नहीं कोई उम्मीद। और भाई अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल के अंदर, देखते हैं मेरा RT-PCR टेस्ट होता है कि नहीं होता है। गुड आफ्टरनून मैम, RT-PCR टेस्ट तो फाइनली दोस्तों RT-PCR में टेस्ट करवा लिया एंड रिपोर्ट मेरी आ जाएगी 6-7 बजे तक। तो अभी मैं ट्रेन से ही निकलूँगा, बाकी चलो भाई अच्छा हुआ जो भी हुआ, थोड़े पैसे लगे बट मेरी रिपोर्ट बन गई। भाई भाई पाकिस्तान ट्रिप के लिए हम हो गए पूरे के पूरे रेडी। टेस्ट करवाने के बाद मैं गया था घर, घर से ये बैग वगैरह उठाया, अपना पासपोर्ट वगैरह उठाया और आ गया अपने स्टेशन पे कठुआ, और यहाँ पे वो ट्रेन रुकती नहीं है। देखते हैं अगर थोड़ी सी स्लो होती है तो उसमें चढ़ जाते हैं। बाय द वे हमें तो भाई ऑटो से ही जाना पड़ेगा, तो चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं कोई ट्रेन हमें पठानकोट तक मिल जाए, क्योंकि जो हमारी ट्रेन जाएगी ना वो पठानकोट से जाएगी। तो भाई कठुआ से आ गया हूँ मैं लखनपुर बॉर्डर पे, जो कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, और यहाँ से कुछ खा भी लेते हैं क्योंकि जो मेरी ट्रेन है वो मैं पठानकोट जंक्शन से बोर्ड करूँगा। चलिए यहाँ पे कुछ खा भी लेते हैं, बल्ले वगैरह खा लेते हैं। यहाँ पे दे डोंगली 3 रुपए बल्ले दे डो। तो देखिए भाई अंकल ने डाल दिए यहाँ पे बल्ले, और करते हैं ट्राई अंकल के बल्ले पीछे बैठ के। तो ये है फेमस बल्ले लखनपुर की, जो कि अभी हम ट्राई कर रहे हैं। रियली यार डिलीशियस है भाई एकदम। सो अभी मैं निकल गया हूँ भाई कठुआ सॉरी लखनपुर से, और अभी सीधा आपको पठानकोट जंक्शन पे मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे, है ना। और बस में सीट नहीं है भाई, पूरा खड़ा खड़ा जाने पड़ रहा है भाई। बस ने उतार दिया और आज लगता है किस्मत ही मेरी ख़राब है, क्योंकि वो ट्रेन निकल जाएगी यार, 5 मिनट लेट हो गया मैं। अब देखते हैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता हूँ। सो भाई फाइनली किस्मत ने साथ दे दिया यार, वीडियो नहीं बना पाया एकदम से भाई, क्या ही बताऊँ मैं। ट्रेन चल पड़ी थी प्लेटफॉर्म से और बहुत मुश्किल से चढ़ा भाई, बहुत मुश्किल से सीरियसली। अब कहीं जान में जान आई है, बाकी देखिए पठानकोट से ट्रेन। कितने का? 50 रुपये भाई। 40 रुपये का 50 का भेज रहे हो यार, क्या करो। MRP 40 है ना, 50 रुपये का भाई जबरदस्ती कोई 50 कैसे बेच रहे हो आप भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कोई जबरदस्ती तो भाई MR मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो 50 का क्यों बेच रहे हो? 50 का लेना है आपको, आप बेच कैसे रहे हो? मैं कंप्लेंट करूँ क्या ऑनलाइन? कंप्लेंट कर लो ऑनलाइन, पेंट्री में जाए बात कर सकते हो। ठीक चलो आता हूँ मैं पेंट्री। अभी ट्रेन में चढ़ा नहीं और पेंट्री वाले इधर अपनी चला रहे हैं, 40-40 की बोतल 50 में दे रहे हैं और यात्री मजे से ले रहे हैं भाई। आज के टाइम पे क्या है कि तुम बोलो लोग तमाशा देखते हैं, बस 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं, बट कोई नहीं बोलने वाला है ही कोई नहीं भाई, क्या करें यार हम कब तक बोलेंगे भाई, ऐसा नहीं चलता यार। सो भाई देखिए अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है अभी दीनानगर, और ये सब मतलब थोड़ी दूर यहाँ से सब बॉर्डर इलाका है, यहाँ से 5-7 किलोमीटर के एरिए में पाकिस्तान की जो सीमा है सरहद है वो शुरू हो जाती है, जैसे कि आप मैप पे देख सकते हो। अभी मैं दीनानगर में हूँ, जो मेरी पाकिस्तान में एंट्री होगी वो कॉरिडोर से होगी, जो कि अमृतसर पे कॉरिडोर है। बाकी लोकल ट्रेन को पास करती हुई हमारी संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। ये दो यात्री बैठे हैं, कहाँ जा रहे हो भाई? भैया कहाँ जा रहे हो? गुरदासपुर। ये भाई यहाँ के लोकल हैं, यहाँ से बॉर्डर कितना होगा भैया?
वही 10 किलोमीटर के आसपास है ना। हाँ 10-15 हाँ 10-15 किलोमीटर के एरिया में। अपने घर परदेसियां वांगू परतण दा एहसास क्यों है, मैं 47 मगरों जम्मिया मेरे पिंडे लास क्यों। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है भाई दीना नगर देखिए, और चलते अपने कोच में। जल्दबाजी के चक्कर में मैं पीछे चढ़ गया था, बाकी स्लीपर में हमारा कोच है आज का, और फिर मैं उतर गया और फिर अपनी ट्रेन चल पड़ी भाई दीनानगर से ही। बाकी चौथा स्टॉप था अपना दीनानगर, 135 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस भी इसने यहाँ से जम्मू तवी से यहाँ तक कवर कर लिया होगा। देखिए पंजाब के दीनानगर से डिपार्चर, और अभी सीधा मिलते हैं आपको गुरदासपुर। शहर लाहौर चिया के जे मन खाने भी मैं जा नहीं सकता, दागल वकड़ी पाके मिलता सतलुज नाल ब्यास क्यों। ये प्लेटफॉर्म तक नहीं जाएगी, गाड़ी रुक रहने तक यही ट्रैक पे उतरना पड़ेगा। तो भाई देखिए अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है गुरदासपुर में, GSP का स्टेशन कोड है, और ये पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट भी है जो अपना गुरदासपुर है। स्टेट का 5वां स्टॉप है अपना गुरदासपुर। और ट्रेन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ये 4 दिन चलती है वीक में, और चलने का टाइम इसका 2:35 पे जम्मू तवी से निकलती है। 2351 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद तीसरे दिन शाम को 4:20 पे आपको संबलपुर पहुँचाती है। बाकी देखिए सामने से आ रही है अपनी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस। देखिए भाई निकल गई अपनी ट्रेन गुरदासपुर से, देखिए और सामने का व्यू देखो भाई कितना एपिक लग रहा है, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अपनी ट्रेन पहुंची अभी धारीवाल पंजाब में, और ये हमने लिया फ्रूटी और बिस्किट। घर से जो खाया था वो सारा का सारा पच गया, आई फिर से जबरदस्त भूख लगी है। देखते हैं ट्रेन में अच्छा सा मिल जाता तो खा लेंगे, वरना सीधा अमृतसर में करते हैं आज का डिनर। इको फांसी इको गोली रहमत अली सराबा बिस्मिल, आजादी तो मगरों साडा वक्को वक इतिहास क्यों। भाई टाइम देख सकते हो 7:37 हो रहे हैं, और अभी अपन पहुंच चुके हैं अमृतसर। बड़ी सी लेट आई है 15 मिनट के आसपास हमारी ट्रेन अमृतसर में, और अभी अपन चलते हैं बाहर, बाहर से करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमारी नेक्स्ट ट्रेन है ना जो हमें पाकिस्तान की तरफ लेके जाएगी वो सुबह 4:00 पे अमृतसर से निकलेगी। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 4 बजे के बाद निकलेगी। ये भाई फॉरेक्स चेंजेस मनी एक्सचेंज के लिए, यहाँ से ले लेते हैं $100-200 ले लेते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे मनी एक्सचेंज करवाते हो तो आपको मतलब 2-5% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। पिछली बार भी सॉरी मैंने अमृतसर से करवा ली थी, क्योंकि मुझे किसी ने पहले बता दिया था कि भाई अपनी करेंसी एक्सचेंज करवा के जाना, तो इसलिए अभी हम यहीं से करवा रहे हैं। और जो पिछली बार मेरे साथ यात्री थे ना भाई, उनको 3% ज़्यादा देना पड़ा था। ये है यहाँ पे मनी एक्सचेंज, डॉलर मिल जाऊगा भाई मनी एक्सचेंज के लिए बोला, लेकिन उनके पास सिर्फ $20 थे, और डॉलर भी थोड़ा सा 20 वाला नोट था वो कटा हुआ था, बोलते ये चलेंगे नहीं। मैंने बोला चलो यार एक दुकान खुली थी और वहीं भी काम नहीं हुआ। तो भाई अभी ले लिए हमने डॉलर, एंड ये भैया की दुकान से लिए हैं, भैया की अमृतसर में ही दुकान है, तो ये आपको सही सही प्राइस लगा देंगे। तो भाई आ चुके हम रेलवे स्टेशन पर फिर से, और अभी हम जा रहे हैं हरिमंदिर साहिब। सोचा कि बाबा जी के
माता टेक आते हैं, साथ ही साथ वहाँ से प्रसादा वगैरह भी चख खाते हैं। बाकी बाहर ये गाड़ी मिल जाए आपको जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, रेलवे स्टेशन के बाहर ही मिलेगी। 8:40 हो गए और वो निकल रही है भाई। तो भाई देखो अभी हम अमृतसर में पहुंच चुके हैं देखिए, और ये खा रहे हैं हम यहाँ के गुलाब जामुन जो कि 20 रुपए के 16 पीस मिले हैं। तो खा लेते हैं। सुबह की जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है, अब कल 9:40 पे दिखा रहे हैं ट्रेन, वो भी बेरका से है। भाई अभी हमने रूम वगैरह ले लिया है, मैंने सोचा गुरुद्वारे में अभी खाना वाना खाने जाएंगे, तो ये अपने प्रिंस भाई हैं, इन्होंने दिलाया हमें रूम। बाकी इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो कि भाई जी, बाकी भाई काफ़ी अच्छे हैं एंड गुरुद्वारे के पास ही दिलवाया, अभी सुबह चलेंगे हम, है ना। चलो भाई रूम में सामान रख के आ चुका हूँ मैं गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल में, पर अभी चप्पल वगैरह यहाँ पे जोड़ा घर में जमा करवाते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं बाबा जी के, उसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे एंड सो जाएंगे। सो आ चुके हैं हम गोल्डन टेम्पल के अंदर, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। माथा वगैरह हमने दोस्तों टेक लिया है, तो चलिए अब प्रसादा वगैरह चखते हैं उसके बाद सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ेगा ना हमें। खा लेते हैं भाई खाना, ये मिल गया हमें प्रसादा। भाई आ चुका हूँ मैं अभी रूम में और काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, सुबह उठना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद हमें पाकिस्तान की तरफ जाना है, ठीक है। तो ट्रेन हमारी 9:40 पे है, बट हमें जल्दी उठना है, तो तब तक के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग वाहे गुरु, अभी मैं हूँ अमृतसर के बाहर, मतलब कि गोल्डन टेम्पल के बाहर, और आज मेरा दूसरा दिन है। 9:40 पे मेरी ट्रेन है जो कि वेरका से है, तो वेरका यहाँ से थोड़ी सी दूर है, मुझे यहाँ से कोई ऑटो वगैरह करना होगा वेरका जाने के लिए, एंड देन वेरका से मेरी ट्रेन है। तो चलो भाई देखिए दर्शन वगैरह करने के लिए, तो देखिए चहल पहल अपनी गोल्डन टेम्पल की। आ गया भाई मैं बस स्टैंड पे अमृतसर के, और आज आपको एक अलग सी जर्नी करवाते हैं, यहाँ से मुझे वेरका जाना है, वो भी सिटी बस में। सिटी बस तो भाई ऐसी है जैसे विदेशों की सिटी बस नहीं होती है, ऊपर चलती है फ्लाइंग ओवर पे, तो वही ऐसी कुछ बस है। बाकी ये ऐसा कुछ व्यू है, देखिए यहाँ पे ही आएगी हमारी बस, मेट्रो की तरह सिस्टम है भाई हमारी बस, सिटी बस वेरका जानी ना भाजी। चलो इसमें चलते हैं पूरा, चल गई हमारी बस बस स्टैंड से। तो आ गए हम वेरका जंक्शन पे, ये सिटी बस है भाई, काफ़ी चीप है ये, 10 रुपये में पहुँचा दिया, अगर आप ऑटो करते तो 30-40 रुपये लग जाते अमृतसर से, तो मैं आपको यही बस प्रेफर करता हूँ अमृतसर से वेरका आने के लिए। ट्रेन चलने को अभी थोड़ा सा टाइम है, 9:40 पे चलेगी, तो हमारे पास आधा घंटा था, तो हमने सोचा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। बस ये खा रहे हैं हम छोले भटूरे, ये बाहर ही रेडी लगी थी भैया की, तो यहीं से खा रहे हैं, देखिए हमारे गर्मा गर्म छोले भटूरे, इसको खाने के बाद हम चलते हैं स्टेशन पर, लेट्स ट्राई छोले भटूरे, एकदम बढ़िया भाई। आ गए हम वेरका जंक्शन के बाहर, और 9:40 होने ही वाली हैं, और हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है, बाकी 46 किलोमीटर की आज की हमारी यात्रा रहने वाली है, 30 रुपये हमारा टिकट फेयर लगेगा, साथ ही साथ जो हमारी ट्रेन हमें छोड़ेगी वो पाकिस्तान के बिल्कुल 0 पॉइंट पे छोड़ेगी, उसके बाद हमें पैदल सीमा पार करनी होगी। वो आ गई अपनी ट्रेन 06923, और ये भाई थोड़ी सी लेट आई है, जो इसका टाइम था वो 9:40 पे था, लेकिन ये आई यहाँ पे लगभग 11 बजे के आसपास, और 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको ये 1 घंटा और 20 मिनट के आसपास का टाइम लेती है कवर करने में। तो चलो भाई बैठते हैं ट्रेन में, ट्रेन तो अपनी खाली चल रही है अभी, अभी मेला चल रहा है, तो थोड़ी बहुत आपको पैसेंजर्स दिख गए होंगे इसमें। ट्रेन निकलने को रेडी हो चुकी है भाई, 5 इसके होल्ट हैं, और उसके बाद ये बॉर्डर पर हमें पहुँचा देगी, और बॉर्डर से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, उसके बाद हम कॉरिडोर में जाएंगे एंड हमारी वेरिफिकेशन होगी और हम निकल जाएंगे। बाकी देखिए भाई ये बंदा क्या चाहता है भाई, इसका एक डंडा तो ऐसे ही रह गया इधर। बाकी ये बाजी अपने साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये जा रहे हैं डेरा बनाने मेला वेखन ले, है ना बाजी जा रहे हैं मेला वेखन ले, और चलो मेले तक ही चलते हैं साथ में, इसके बाद भाई मेला देखिएगा और मैं चला जाऊंगा बाहर।
खड़े रह गए आप। वो वाली लाइन चली गई हमारी पठानकोट को, और ये वाली बॉर्डर वाली लाइन है जिस पे अभी हमारी ट्रेन चल रही है। बाकी दोस्तों बात पता क्या है, जाने को मैं बस से भी जा सकता था, लेकिन एक रेल फैंडिंग होती है ना भाई, ट्रेन से जो मज़ा आता है वो बस से कहाँ आएगा। वरना मैं लेट हो गया ट्रेन के चक्कर में। जो ऑफिशियल ट्रेन थी ना वो 4:20 पे थी अमृतसर से, और उसके बाद 9:40 पे ये वाली थी वेरका से। मैं स्पेशल अमृतसर से वेरका आया, क्यों? ट्रेन सफ़र करने के लिए। जहाँ तक ट्रेन जाती है मैं वहाँ तक लेके जाता हूँ आपको, उसके बाद जहाँ ट्रेन पॉसिबल नहीं है वहाँ फिर मैं अदर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ। तो देख लो भाई, फिर भी आप लोग बोलते हो कि विशाल भाई क्या करते हो, देखो कितना वेट किया मैंने। तो लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है भाई, और शेयर भी कर दिया करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं, समझ रहे हो ना आप। हाँ रेलवे की तो पहनती है। तो दोस्तों वेरका से लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने सेकंड लास्ट हॉल्ट पे, जो अपना रामदास RDS का स्टेशन कोड है। एक एक मिनट का ही हॉल्ट है, बाकी दो तीन स्टॉप थे पीछे, इनको मैंने कवर नहीं किया क्योंकि भाई एक मिनट रुकती है। बाकी ये जो रामदास है ये बिल्कुल बॉर्डर पर आ चुका है, जैसे कि आप मैप पर देख रहे हो बॉर्डर कितना पास रह चुका है। इससे आगे एक स्टेशन आएगा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे डेरा बाबा नानक। बाकी बढ़िया गाड़ी है भाई, बट लेट हो चुकी है। देखिए 11:09:10 हो चुके हैं अभी तक, इसको डेरा बाबा नानक होना चाहिए था। अब पता नहीं यार कितना और लेट करेगी ये ट्रेन। रामदास है यहाँ पे, बाबा बुड्ढा रामदास जी का गुरुद्वारा भी है रामदास जी के नाम से। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर, इसके बाद हम मिलते हैं आपको सीधा डेरा बाबा नानक। हॉन्क हो चुका है, डेरा बाबा नानक में पहुंचने ही वाले हैं। लास्ट हॉल्ट इंडिया का आखिरी स्टेशन डेरा बाबा नानक में एंटर करती हुई हमारी ये लोकल ट्रेन डेरा बाबा नानक। भाई इंडिया का लास्ट हॉल्ट डेरा बाबा नानक, और इसके बाद हमारी पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है, रेड खलीफ लाइन, वो शुरू हो जाती है यहाँ से कोई 500 मीटर आगे। बिल्कुल बॉर्डर पे है भाई, जैसे कि आप मैप पे देख रहे हो बिल्कुल बॉर्डर पे है। एंड ऐसा कुछ स्टेशन है अपना डेरा बाबा नानक, जो कि काफ़ी पुरानी इमारत लग रही है हमें, 1947 से भी पुरानी इमारत है ये। देखिए अगर आपको एक डेडिकेटेड ब्लॉग चाहिए तो मिल जाएगा, मैं कभी टाइम निकाल के बना दूंगा, बट कमेंट कर देना अगर इस स्टेशन का आपको डेडिकेटेड ब्लॉग चाहिए, पूरा ट्रैक तक बनाएंगे भाई। ये अपने भाई हैं, अभी साथ में जा रहे हैं हम। नाम की सी का थोड़ा? नाम मेरा सिद्धक वीर है। हाँ सिद्धक वीर जी है के, तो इन्हों दे कोई नोन च है बंदे, बाइक लेके आ रहे हैं, तो बाकी ऑटो भी लगे हुए हैं यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन अभी जा रहे हैं। पहुँचने वाले अभी डेरा बाबा नानक, और यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास होगा हमारा कॉरिडोर। एंड ऐसे कुछ ऑटो में बैठे हैं, तो उसके बाद हम पार जाएंगे, अभी लेट हो गए हैं ऑलरेडी। तो चल रहा अभी ये ऑटो आपको स्टेशन पे ही मिल जाएगा खड़ा खड़ा। पहुंच गए हम डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे के पास में। ये लगा है डेरा बाबा नानक का मेला, और ये मेला रात को आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, पहले पाकिस्तान से वो आते हैं अभी। और 10 बजे एंट्री टाइम था, लेकिन थोड़ी लेट हो गया हूँ मैं ट्रेन के चक्कर में, 12 बजने वाले हैं भाई, 15 मिनट रह गए हैं। भैया को बोला है मैंने, भैया बोल रहे हैं कि छोड़ देता हूँ तेरे को कॉरिडोर तक, तो भैया ही जा रहे हैं अभी छोड़ने के लिए, प्रिंट आउट भी निकलवाना है। डेरा बाबा नानक का मेला, ये काफ़ी फेमस मेला है, जो कि 2 या 3 को लगता है और 9 तारीख तक लगा रहेगा ये। एक हफ्ता लगता ना मेला है, एक हफ्ता लगता है मेला होला मोहल्ला से। सो अभी हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, भैया को भेज दिया हमने, ये निकलवा लिया हमने प्रिंट आउट, अभी जल्दी से चलते हैं बॉर्डर की तरफ क्योंकि टाइम ओवर ना हो जाए, हमें डर है।
हेलो सर। कितने लोग हैं? एक ही हूँ। एक ही है? ये तो ऑटो वाले हैं। ये मेरे साथ है। आप छोड़ के आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। सो भाई अभी हम एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली, जो मतलब सिक्योरिटी एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमें पाकिस्तान। और वो जो सामने दिख रहा है करतारपुर साहिब, 5 किलोमीटर है यहाँ से, जो कि हमें पार जाना पड़ेगा। तो इतो जाना वा, इतो अंदर होना बस। हाँ जी, कोई ना कोई ना। ओके चलो भाई, ठीक है भाई, धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत भाई का धन्यवाद छोड़ने के लिए हमें। ठीक है भाई जी, यूट्यूब पे आ जाओगे तो जी। पे आपको एंट्री करवानी होगी और ये आपको एक स्लॉट देंगे, 119 नंबर स्लॉट मुझे दिया है। आते टाइम ये एग्ज़िट के टाइम पूछेंगे, तो ये याद रखना है, इसलिए मैंने वीडियो में बता दिया। बाकी यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा कॉरिडोर तक, उसके बाद देखते हैं हमें क्या लेने आता है क्या नहीं। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये सब हो गया। बाकी देखिए ऐसा कुछ है हमारा बॉर्डर, यहाँ पे देखिए लिखा है वेलकम। करते हैं इस ब्लॉग को यही पेंड, आज का ब्लॉग बॉर्डर तक ही था। अब बॉर्डर के आगे मैं कैसे जाता हूँ एंड क्या क्या मुझे पूछते हैं, क्या क्या होता है मेरे साथ पाकिस्तान में, वो सब आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करना है भाई, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी हम इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है।